बात क्या है, अगर झगड़े हो गए तो सबसे पहली चीज कभी भी याद रखो आपकी जिंदगी के लिए, ये 7 डेज के ट्रेनिंग कैंप में आप आए, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक बड़ी नसीहत समझ के चले जाओ। जहां आप नमाज सीखेंगे, आमतौर पर ट्रेनिंग कैंपों में या तो दावत दीन की अहमियत सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, रोज़ा सीखेंगे, और क्या है, अल्लाह का डर सीखेंगे, क़यामत और खबर के बारे में सीखेंगे, लेकिन हम उन सब चीज़ों के साथ साथ हमेशा जिंदगियाँ गुजारने का तरीका भी हम सिखाते हैं। ज़िंदगी हमारी कैसे गुजरे, जैसा कि मैं बोला 20-25 साल की ज़िंदगी कैसे गुजरे, वही नहीं बल्कि आइंदा होने वाली 45 साल की ज़िंदगी कैसे गुजरे, ये भी आपको सीखना है, ज़रूरी है। आप 24 घंटों में 5-5 मिनट नमाज के लिए निकाले तो 1 घंटा नमाज के लिए निकाल रहे, बाकी 23 घंटे नमाज के लिए, 1 घंटा इबादत के लिए दिन में, 1 घंटा बाकी 23 घंटे आपके घरेलू ज़िंदगी है, आपके अखलाक है, आपकी बातचीत है, आपके माँ बाप के साथ ताल्लुकात है, आपके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात है, आपके अपने शोहर के साथ ताल्लुकात है, आपके अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात है, आपका रहन सहन, अखलाक, लेन देन, कमाना, हलाल हराम, ये तमाम चीज़ें 24 घंटे की ज़िंदगी है, इसको सीखने की ज़रूरत है। आज हम क्या समझे, दीन बोले तो खाली नमाज, कुरान, रोज़ा, बस ये चीज़ें सीख लिए, हम दीनदार समझ लिए, लेकिन उसके अखलाक देखे तो बदतरीन अखलाक है, दाढ़ी टोपी सब कुछ है, जिक्र अस्कार सब कुछ है, लेकिन देखे तो बीवी के ऊपर जुल्म कर रहा। ऐसे हालात ना हो, इसलिए दोनों सीखना जरूरी है।